नमस्ते सस्त्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तान जी। मेरा नाम है बाबू सुल्तान। और मेरा नाम है सादिक। और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो है जी योगा डे। इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया और उसमें एक मौलाना भी योगा करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त वीडियो है। आइए उनको ऐसा क्यों करना पड़ा मिलकर देखते हैं ये वीडियो, फिर उस पर करते हैं अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। कल योग दिवस था, 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। पूरे देश में इस दिन को मनाया गया, लेकिन शायद आपने तस्वीरें नहीं देखी होंगी जो आज हम आपको दिखाएंगे। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिन्होंने चीन को जोरदार तमाचा मारा है। एलएसी पर भारत ने एक ऐसा कूटनीतिक योग भी किया जिसकी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। भारत की रणनीति आपके भी होश उड़ा देगी। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। एलएसी पर तैनात जवानों ने चीन की तरफ अपनी तोपों को मोड़ दिया और फिर योग किया। शक्ति और संयम का इससे जबरदस्त प्रदर्शन और क्या हो सकता है। लेकिन इसी बीच एक और तस्वीर ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। ये तस्वीर है डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी की। ये वही है जो अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में भी पहुंचे थे। उस वक्त भारत और पाकिस्तान के कई मुसलमानों ने इसका विरोध किया था, लेकिन अब इमाम उमर अहमद इलियासी योग करने के लिए सीधा लद्दाख पहुंच गए, यानी कि चीन की सीमा पर। उन्होंने वही योग किया जिसका विरोध कट्टरपंथी हमेशा से करते आए हैं। मजे की बात देखिए कि इमाम उमर अहमद ने लद्दाख में योग करके पाकिस्तान, चीन और 56 मुस्लिम देशों को तमाचा मारा है। डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी ने कहा कि यह हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि पूरा विश्व आज योग दिवस मना रहा है। लद्दाख में हिमालय की चोटी पर हम योग कर रहे हैं, जो कि भारत के लिए बड़ा गौरव का दिन होता है। जो इंटरनेशनल योगा डे को हम सेलिब्रेट करते हैं, यूएन ने जिसको डिक्लेयर किया। ये योगा को किसी धर्म से जोड़कर, मजहब से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। योगा फॉर ऑल, सबके लिए होता है। योगा सेहत के लिए है और हम सब मिलकर इसी तरह से एक साथ अगर करते हैं तो इससे हमारा शरीर अच्छा होता है, हमारा मन मस्तिष्क अच्छा होता है, हमारे लिए तंदुरुस्ती के लिए बहुत अच्छा है। आज यहाँ पर लद्दाख में हिमालय की सबसे बड़ी ऊंचाई चोटी पर आज हम यहाँ पर 10वां इंटरनेशनल योगा सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे लिए खुशी की बात है, बगल में आज श्रीनगर में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कल योगा सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज मैं मुबारकबाद दूंगा हमारे देश के प्रधानमंत्री, आज भारत का नाम ऊंचा है और जिस योगा को यूएन के अंदर भारत से योग पूरी दुनिया के अंदर इसलिए आज हम फिर से धीरे धीरे नियंत्रित रूप से सांस को बाहर छोड़ते हुए जैसे आवाज एक करने का नाम है। वो वसुदेव कुटुंबकम की बात करेगा, पूरे विश्व को एक करेगा। आज इसी तरह से जो भारत की पहचान है वसुदेव कुटुंबकम, आज योग के माध्यम से आज पूरा विश्व एक हो गया है। आज योग सभी लोग मना रहे हैं, सब स्वस्थ रहे, सब तंदुरुस्त रहे, सबके लिए दुआएं हैं, सब खुशहाल हो। इमाम उमर अहमद ने चीन की सीमा के पास ऐसे वक्त पर योग किया है जिस वक्त चीन ने शिनजियांग में लाखों मुस्लिमों के साथ बड़ा खेल कर दिया। एक नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि चीन ने उइगर मुसलमानों के सैकड़ों गांवों और कस्बों का नाम बदल दिया है। इन कस्बों का इस्लामिक नाम बदलकर चीनी भाषा में रख दिया गया है। इस बार तो ईद पर भी चीन ने उइगर मुसलमानों पर जमकर अत्याचार किया, लेकिन पाकिस्तान हो या OIC किसी ने भी चूं तक नहीं की। उन सभी को इमाम उमर अहमद का प्राण प्रतिष्ठा में जाना और योग करना तो चुभ गया, लेकिन मुस्लिमों पर चीन के अत्याचार से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे में चीन की सीमा पर जैसे ही ये योग हुआ 56 मुस्लिम देशों को सांप सूंघ गया। तो आप इस पूरी खबर पर क्या कहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। बहुत ही जबरदस्त वीडियो था जी योगा डे के हवाले से, और तस्वीरें थी और उसमें
उमर अलियासी साहब जो के इमाम उमर अलियासी साहब मजहबी रहनुमा भी हैं और हमें ये हर उस प्लेटफॉर्म पर नजर आते हैं जहां पर देश की बात हो, देश को आगे बढ़ाने की बात हो। ये कि मजहब को इन सब चीज़ों से जब हम जोड़ देते हैं वहीं पे नेगेटिविटी शुरू हो जाती है। अब देखिए बहुत सारे लोग योगा को धर्म से जोड़ देते हैं कि ये हिंदू धर्म से आया है, तो हिंदू धर्म से अगर अच्छी चीज़ें आई हैं तो आपकी सेहत के लिए अच्छा है, तो उसमें कौन सी ऐसी बुराई है कि आप वो करें तो आप क्या अपने ही मज़हब से निकल जाते हो। ये बहुत ही दकियानुसी सोच है, बहुत ज़बरदस्त है जी इनका ये पैगाम। और ख़ास करके लद्दाख में क्या ज़बरदस्त वहाँ पे सीनरी है, क्या ज़बरदस्त वहाँ पे सीन है जहाँ पे लोग इस तरह से योग मना रहे हैं। और दूसरी तरफ वो जवान जो बॉर्डर पे तैनात हैं वो चाइना के, वो योगा कर रहे हैं, क्या कमाल खूबसूरती की बात है। देखिए सेहत सबसे पहले है, सेहत है तो ये जहान है, अगर सेहत नहीं है तो ये जहान बिल्कुल बेकार है। जिसके पास सेहत नहीं है ये उसको पता है कि ये दुनिया मेरे लिए बिल्कुल बेकार नजर आती है। तो बहुत ज़बरदस्त है जी, अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए और सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप योगा करें। और योगा डे पर अगर ये मैसेज दें कि हम सब धर्म को एक साइड पर छोड़कर हम योगा को मना योगा डे को मनाते हैं और दुनिया में एक अवेयरनेस क्रिएट करते हैं ताकि लोग अपनी सेहत की तरफ लौटें, अपनी सेहत का ख्याल करें, क्योंकि आजकल के जो लाइफ स्टाइल हो चुके हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ ना कुछ डेली रूटीन में एक्सरसाइज ज़रूर करें और योगा भी उसमें एक बेहतरीन एक्सरसाइज है। अगर आप इसको करते हैं तो आप मेंटली तौर पर भी यहाँ पे आप ताकतवर होते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है कि आप उसको कम से कम हफ्ते में एक दो बार ज़रूर ट्राई करें। तो बहुत अच्छा पैगाम है जी उमर अलियासी साहब का भी कि एक मौलाना होते हुए भी ये पैगाम दे रहे हैं ताकि कई सारे ऐसे दकियानुसी जो लोग होते हैं फिर वो इनको देखते हुए इन चीज़ों की तरफ वो माइल ज़रूर होंगे। बिल्कुल ऐसे देखिए कि योगा एक एक्सरसाइज है और योगा को किसी मजहब के साथ जोड़ना भी खास जोड़ना भी है, तो जो सनातनियों की एक्सरसाइज है ये तो सनातन मजहब से निकली है, ये वो ही करते हैं और कोई नहीं करता ये एक्सरसाइज, तो ये बात बिल्कुल गलत है। अपनी सेहत का ख्याल हर इंसान को रखना चाहिए, ये नहीं कि वो सनातनी सिर्फ रखें या वो सिख रखें, हिंदू मुस्लिम नहीं रख सकते या दूसरे जितने मजाहब हैं वो नहीं कर सकते। अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी सेहत के लिए जो एक्सरसाइज है वो सबसे बेहतरीन जो एक्सरसाइज इस दौरे हाजिर में मानी जा रही है वो योगा है। और ये कहें कि योगा जो है वो मुस्लिम के लिए नहीं सही, तो ये बात भी बिल्कुल गलत है। ये तकिया नूर जो इंतशार पसंद लोग हैं वो ये बात करते हैं। ये देखिए उमर अलियासी साहब जो है वहाँ लद्दाख में जाकर जो है योगा डे मना रहे हैं, वहाँ पे वो एक कह लो अपने मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पे, लेकिन ये बता रहे हैं कि भाई ये सिर्फ सनातनियों के लिए नहीं है योगा, ये योगा उनके लिए है जो अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, जो अपने आप को सेहतमंद रखना चाहते हैं माइंडली तौर पे भी और जिस्मानी तौर पे भी। ये बहुत ही प्यारा और अच्छा मैसेज है उनके लिए। बिल्कुल, ये बहुत जबरदस्त चीज है। देखिए कि जब राम मंदिर का जो हो रही थी प्राण प्रतिष्ठा, उस वक्त भी इन्होंने जाके वो पैगाम दिया और इन पर बहुत ज्यादा जो है ना तनकीद हुई, और ये वहां पे मेरा ख्याल है इमाम है जो सबसे टॉप के इमाम होते हैं इंडिया के, तो वो चीफ इमाम है ये। तो चीजें यही है कि जब आप उस लेवल पर बैठे हुए हैं तो आपका ये फर्ज बनता है इस तरह के पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंचाना, ताकि पता चले। देखिए कहीं ना कहीं पे तो पॉजिटिव चेहरा जो है ना मुसलमानों का नजर आ रहा है, तो जो इंतहा पसंद है वो इस पर तनकीद करते ही रहेंगे, लेकिन सबको इसी तरह से तमाम मुसलमानों को पॉजिटिविटी दिखानी चाहिए, अपने अंदर की जो इंतहा पसंदी है उसको खत्म करना चाहिए। अगर आप इंतहा पसंदी खत्म करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज है, ताकि आपके दिमाग के अंदर जो फतूर है जो नफरतें हैं वो खत्म कर सकते हैं आप योगा के जरिए, और आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और देखिए हर एक को अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, हर मजहब में है, ये कहना कि भाई ये हिंदू धर्म से आया है या ये बुद्ध धर्म से आया है तो ये हम इसको नहीं अपनाएंगे, तो ये चीजें नहीं है। आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है, किस तरह से रखना है उसके लिए जहां से कोई अच्छी चीज मिलती है उसको अपनाना चाहिए, उसके ऊपर इस तरह से दकियानुसी बातें नहीं करनी चाहिए। यही पैगाम दिया है इमाम साहब ने भी, और बिल्कुल जबरदस्त चीजें देख के उनको खुश हुआ। और देखिए कि वो कश्मीर के अंदर लद्दाख के अंदर वो इतनी जो है ना, आप देखिए जवान जो है वो आप उसके ऊपर है ग्लेशियर के ऊपर खड़े हुए कश्मीर की तरफ तोपों का रुख करके अपने खुशी से जो है ना योगा मना रहे हैं और वो पैगाम दे रहे हैं
कि भाई हम वहां पे भी अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं, तो इसलिए इतनी ठंडी के अंदर भी हम वहां पे फिट हैं। तो इसलिए आम लोगों को भी अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। वो कहते हैं तंदुरुस्ती हजार नेमत है, इसीलिए से ये मुहावरा नहीं बना हुआ। तो अपनी तंदुरुस्ती को फिट रखने के लिए जो भी आप एक्सरसाइज का तरीका अपनाएंगे उसको आप योगा का नाम दे सकते हैं। तो एक्सरसाइज कीजिए, वर्जिश कीजिए, जो भी आप अपना नाम लेना चाहिए, लेकिन ये योगा है। योगा में भी यही बताया जाता है कि आप अगर एक्सरसाइज करेंगे तो आप फिट रहेंगे और जिंदगी आगे बढ़ेंगे। योगा एक अलग तरह की एक्सरसाइज है और जिससे आपकी जिस्मानी सेहत के अलावा जो जहनी है और मेंटली है और जो रूहानी सेहत है वो भी बढ़ती है, और ये बहुत ज़रूरी है, इसको करना चाहिए। आई होप सो वीडियो अच्छा लगे आपको, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।